दोस्तों, आज तक हमने सुना था और देखा था कि हर किसी के रिश्ते में परिवार के हर किसी से झड़प और बहस होती है, लेकिन हमें अनोखा बंधन सीरियल देखने से ये साफ साफ पता चलता है कि एक पति और पत्नी के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, जिससे उस पति के पिछले 15 साल से उसके पत्नी के द्वारा एक तहखाने में कैद करके रखा गया है और उस सच्चाई को उस पिता के बेटा के सामने उनके जिंदा होने का राज अपनी शैतानी माँ के द्वारा उसे बचपन में ही दबाया गया है। इसलिए उस पिता के बेटा अभी के वक्त पर अपने पापा के जिंदा होने के ऊपर थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर रहा है। इसलिए इस सीरियल की कहानी बहुत ही दिलचस्पी इन दिनों देखने को मिल रहा है। और वही अब सुषमा के प्यारा लाडला बेटा अब हनुमान जी के गद्दा लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां अभी वरदान के पिता उस तहखाने में कैद है। हालांकि वो छोटा लड़का वहां पर उनको देखकर काफी हैरान रह जाता है, लेकिन वही अब वो वहां जाने के बाद उनसे पूछता है कि आप रो क्यों रहे हो और क्या आपको भूख लगी है। हालांकि वो छोटा सा बच्चा उनको वहां पर अपने तरफ से कुछ खाने को दे देता है और अब वो छोटा लड़का उनसे दोस्ती करने के लिए कहता है और कहता है मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। लेकिन जब उन लोगों में वहाँ पर दोस्ती हो जाती है तभी वो उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब वो अपनी पहचान उनके सामने बताने के लिए वो अपनी नानी के संग अपनी माँ का फोटो मोबाइल में दिखाने लगता है, जो मोबाइल में वो गेम खेलने में काफी इंटरेस्ट रखता है, जिसे देखकर अब वरदान के पापा उन दोनों लोगों को पहचान जाते हैं। लेकिन आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।